नमस्कार, मैं आयुष वैष्णव और आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत बने गौठान के विषय में, जहां उनके ही विधानसभा क्षेत्र व उनके ही ग्राम बेलौदी में किस तरह से गौठानों का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, इसका जायजा लिया हमारी दबंग राजधानी की टीम ने। तो आइए जानते हैं मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र व उनके ही ग्राम बेलौदी में बने गौठान की स्थिति। आइए देखते हैं यहाँ पर बने हुए गौठान का व्यवस्था, कि यहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। यह है मुख्यमंत्री निवास ग्राम बेलौदी में स्थित गौठान का दृश्य। आप देख सकते हैं, यह है मुख्यमंत्री निवास स्थान बेलौदी का गौठान। आइए आगे चलकर हम यहाँ पर का निरीक्षण करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं और कौन कौन सी असुविधाएं हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हम उपस्थित हैं मुख्यमंत्री के निवास ग्राम बेलौदी के गौठान में। तो आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं बेलौदी गांव में स्थित गौठान के चरवाहा सेट को। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यह सेट कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जहां पर चरवाहों को बारिश और धूप से कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती। आप देख ही सकते हैं, यहां पर इसके ऊपर में कोई भी अच्छी छत नहीं बनी हुई है। अगर बारिश हुई या फिर अगर धूप आया तो चरवाहों की कोई रक्षा नहीं हो पाएगी। आइए और चलते हैं, हम आगे आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर इस गौठान में बना हुआ है बीमार पशु शेड। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ का बीमार पशु शेड है और आप यहाँ की हालत भी देख सकते हैं। ये है बीमार पशु शेड और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ कितनी गंदगी है। कोई अच्छे से साफ सफाई का कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। आइए हम यहाँ के चरवाहे से बातचीत करते हैं। तो ये है बेलौदी में स्थित गौठान के चरवाहे जी। तो आप हमें बताइए कि यहाँ पर ये जो बीमार पशु शेड बना है, यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ हैं? अरे बहुत परेशानी है, चरवाहा नहीं लगा सकते है। एक झन आदमी तक गए गौठान में, किसे शाम डरी भी है बता नहीं, रोज नहीं मिले कथे चरवाहा। तो आप यहाँ पर अकेले चरवाहा हो? बिल्कुल, हाँ अकेला हूँ और रोजी रोटी भी मेरा कम देता है यार, 130 रुपये देता है और दिन भर रहना ऐसे की बोलते बता, मैं दिन भर रह रहूँ यहाँ का। तो ये जो बीमार पशु सेट बना है, यहाँ पर इतना गंदगी है, तो और बता सकते हैं कि यहाँ पर और किस किस चीज़ की दिक्कत है? बहुत है, खरहेरा बाहर ही नहीं ले सकते है बाहर के लिए, कहाँ कहाँ में दे रहा पास हूँ लानी से चलो मैं बता। जैसा कि अभी आपने देखा, हमें यहाँ के चरवाहे से पता चला कि यहाँ पर जो बीमार पशु सेट बना हुआ है, वहाँ पर वहाँ की साफ़ सफाई के लिए एक झाड़ू की भी व्यवस्था नहीं है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर इतने कम गाय कैसे उपस्थित हैं? यहाँ गरोल भगा गए हैं सब। यहाँ पर पहले कितनी गाय थी? 90-92 गरोल थी। तो बाकी जितने भी गाय थे वो सब कहाँ गए? वो गायब करवाए ना जी, मंजान ही जी मतलब पूछ सरपंच मल्ला। गायब किसने करवाया? सरपंच मल लगवाए हैं, सरपंच लोगों ने गायब करवाया। हाँ, जैसा कि अभी आपने देखा, हमें चरवाहे जी से पता चला कि यहाँ पर के जितने भी गाय थे 90-92 सबको गायब करवा दिया गया और वो सब कहाँ हैं उनकी कोई जानकारी भी नहीं है। हाँ, अभी आप देख सकते हैं, हम इस गौठान के पैराकुटी क्षेत्र में, जहाँ पर पैरा कुटने के लिए, पैरों की कटाई के लिए यहाँ पर मशीन लगा हुआ है, लेकिन मिली खबरों के अनुसार ये मशीन खराब हो चुका है। तो आइए जानते हैं चरवाहे से कि इस मशीन में क्या क्या खराबी है। पट्टा नहीं है सबसे मेन चीज, और में का है में देखो मैं काटे नहीं है, ये सब सही है, चलते मोटर हम ही चले से बात नहीं, इन्हें भी उपयोग ही नहीं करे आज तक, एक उपयोग आज तक इसका उपयोग ही नहीं हुआ। हाँ, आज तक उपयोग ही नहीं करे। और इसमें खराबी क्या क्या है? खराबी इसमें भी है, पट्टा भर के हमको झा कराना है, पट्टा कराना है, ये नहीं है। अब बता, दूसरा पट्टा नहीं ले सकते, गौठान समिति बने हैं, दूसरा पट्टा नहीं ले सका था, उपयोग नहीं करे। और कितने दिन हो गया इसको बिगड़े हुए? ये तो 2 साल हो गएगा, मारे थे कहीं नहीं हुए, जब से आए तब से बने हैं मारे। मतलब कि जब से आए तब से ये बिगड़ा हुआ है, अभी तक उपयोग ही नहीं हुआ? उपयोग नहीं हुआ है,
हाँ उपयोगी नहीं हो जब से आए तक से मारे भर है प्रदर्शनी में। जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर पैरा की कटाई के लिए जो मशीन लाया गया था वो 2 सालों से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हालत में रखा हुआ है, लेकिन अभी तक इस समस्या का हल नहीं हो पाया। 200 रुपए की जो पट्टी होती है जिससे ये मशीन बन सकता है, अभी तक वो लगाया नहीं गया। और यह है मुख्यमंत्री का एरिया, मुख्यमंत्री का क्षेत्र। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इतनी भारी गड़बड़ी, गौठान की व्यवस्था में इतनी ज़्यादा अव्यवस्था, शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यह सवाल उठता है कि जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में स्थित गौठान में ही ऐसी परेशानियां हैं तो बाकी क्षेत्र में कितनी परेशानियां होंगी। आइए और देखते हैं आगे की चीज़ों को। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इस गौठान से जो खाद बनता है उस जगह पर स्थित है, और ये गौठान के खाद हैं जो पूरी तरीके से बारिश में भीग भीग कर खराब हो चुके हैं। यहाँ पर इन खादों के लिए बारिश से बचाव का कोई भी साधन नहीं है, ये सब बोरी फट रही है और खाद पूरे खराब हो रहे हैं बारिश में भींग भींग कर। आप देख ही सकते हैं कि ये खाद कितने खराब हो चुके हैं। जैसा कि अभी आप सुन ही सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से साहब आते हैं। अरे सीओ आते, कलेक्टर आते, जीओ आते से कहते भैया फिर भी मन जानी बाकी कोई नहीं बना सकते है। जतका कर अधिकारी ना जो भाग ले है तेमन कुछ नहीं कर पाते, खातु खाद पड़े किसान चुतिया बना के अपन इसने कहे करते बता। और बोलो कच्चे है काजी कथे किसान बनाते तब कैसे कर भैया पानी में पड़े तब कच्चे है तला उठा। जैसा कि आप देख ही सकते हैं ये खाद बनाई जाती है किसानों की सुविधा के लिए, लेकिन किसानों के उपयोग में ही नहीं आ पा रही है यहाँ की ये सब खाद खराब हो चुके हैं, खराब हो रहे हैं और इनकी सुरक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम गौठान में उपस्थित है गाय के चारों वाले क्षेत्र में जहाँ पर गाय के लिए चारा रखा जाता है, और आप देख ही सकते हैं चारा की सुरक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो तार लगने चाहिए वो सब टूटे हुए और क्षतिग्रस्त हालत में है। देख कौन सा साड़ी में लगे है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि साड़ियों से बंधा हुआ है या फिर बांस से बंधा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चारे की सुरक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था, उचित व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। और अब आगे चलते हैं जहाँ से गाय चारा खाते हैं, तो आइए देखते हैं गाय का चारा इस स्थिति में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गाय जो चारा खाते हैं वो किस स्थिति में है, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, ये सब बारिश में भींग भींग कर ये पूरे चारे खराब हो चुके हैं। इसी ना गाय खा सकती है ना ही से कुछ उपयोग हो सकता है, और शासन का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। अभी हमें सूत्रों से पता चला कि इस गौठान समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी इस गौठान के विषय में कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिनके कारण यहाँ की स्थिति पूरी खराब हो चुकी है, और आज तक वो यहाँ इस गौठान में आए भी नहीं है यहाँ की देख रेख के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ के चरवाहे ने अपनी स्वेच्छा से अपन कांटे वाटे लगाए हैं ताकि यहाँ पर गाय वाय ना आ सके, उनकी सुरक्षा हो सके चारों की। हमें कई बार बोल रहे हैं भाई कुटी कटवा देगा बारिश में खराब होते तो कुटने उटने देर लगी इसी वो लैया मन कर आजे भी उठात रहे नहीं कर पाते भाई ये अपन खाते पिए पड़े ऐसे अरे वो कोई व्यवस्था कुछ ही बना नहीं। जैसा कि अभी आप देख ही सकते हैं हमें यहाँ के चरवाहे से बातचीत करके यह पता चला कि यहाँ पर खाने पीने की गायों के चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, सभी क्षतिग्रस्त हालत में हुए हैं, और यहाँ पर इन सब की व्यवस्था के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो आज तक यहाँ के निरीक्षण के लिए भी नहीं आए हैं, और यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। सरकार को इस विषय में अपना विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बहुप्रतीक्षित विषय है। हमारे प्रदेश में गौधन योजना के अंतर्गत गौठान बहुत जगह पर बनाए गए हैं, लेकिन ऐसे गौठान भी किस मतलब के जहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है गायों के लिए, जिससे ना किसी का फ़ायदा हो रहा है ना ही कुछ, और बस सब क्षतिग्रस्त हालत में ठहरे हुए हैं। सरकार को इस ओर अपना विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा हम
पाटन क्षेत्र के बेलौदी ग्राम में, जो मुख्यमंत्री का निवास ग्राम है, वहाँ पर बने गौठान क्षेत्र में यहाँ के निरीक्षण के लिए आए थे, जहाँ पर हमें भारी असुविधा और भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। जैसा कि अभी आपने देखा, ग्राम बेलौदी में निर्मित गौठान में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमने इस संबंध में गौठान समिति के अध्यक्ष से भी बातचीत की, जिन्होंने हमें एक सप्ताह के अंदर इन सभी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। हम आशा करेंगे कि राज्य के सभी गौठानों के अध्यक्ष इस समाचार से सबक लेंगे और साथ ही अपने अपने गौठानों में उपस्थित समस्याओं को दूर करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल बनाने में अपना सहयोग करेंगे। आगे की और खबरों के लिए देखते रहिए दबंग राजधानी।